ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪਲਾ ਫਰਾਂਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ अदाकारी होगी आगे इंशाल्लाह कैसा किरदार करना चाहती हैं फ्यूचर में मुझे प्यार और मोहब्बत वाला स्क्रिप्ट बहुत पसंद है मतलब आप रोमांटिक रोल करना चाह रही हैं कोई रोमांटिक स्क्रिप्ट हो ये आपकी ख्वाहिश है हाँ क्या बात क्या बात अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आप कैनवस पे तस्वीर बना रही हैं और वो ऐसी बन गई होती कि हाय हाय ये मेरे को की बन गया नहीं ऐसी अगर बन जाए तो उसमें कोई इतना टेंशन नहीं होती ऐसी बन जाए ना और ऐसी क्योंकि कब बनती है कब बेहतरीन तस्वीर बने तो उसे चार डुल जाए तो नाक चेंज हो जाता है माँ बनने से पहले निर्मल और माँ बनने के बाद जिंदगी जज्बात सोचने महसूस करने सांस लेने में क्या फर्क आया काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है जिंदगी माँ बनने से पहले बड़ी एक केयरफ्री सी थी अपनी ही बंदा धुन में मगन होता है और माँ बनने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है लेकिन उसी के साथ आई थिंक ये बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से एक जो आता है आपके पास मुझे लगता है वो एक ऐसा प्यार है कहते हैं ना जिसको सेल्फलेस लव एक औलाद देती है वो कहीं और से आपको नहीं मिलता बट माँ बनने के बाद ही मिलता वाह वाह ना भाई जिस तरह की माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी है कभी कोई गुस्सा जिससे आप अचानक परेशान हो गए कि ये क्या हो गया अचानक क्योंकि हो जाता है कभी कभार हमारा मिजाज बिल्कुल एक तरह का है वाह वो भी बहुत धीमे मिजाज हैं मैं भी और हमारी जब भी लड़ाई हो कभी भी अगर होती है तो हम बड़ी जल्दी सुलह कर लेते हैं दोनों सुलह को ना तो वो कभी भी देखो मेरी बात सुनो मैं तुमसे कह रही हूँ कि खाना खाया तुम ऐसे और हनीवर का पता दोनों बीवियों को फेंटी खा के घर दे सेंटर से सोता हूँ